Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कहां कहां भटका हूं मैं सुकून की तलाश में. इस बात का इतराफ करते मैं तुम्हारे घर भी गया था. लेकिन फैसल ने मुझे तुमसे मिलने से मना कर दिया. ये कहकर मुझे वापस भेजा कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते. कहीं वो तुम्हें मेरे साथ देखकर पछतावे का इजहार तो नहीं कर रहा था? कुछ ऐसी ही बात कर रहे थे. और ये भी कह रहे थे कि जब वो मुझसे मिलने के लिए आए थे तो तुमने उन्हें मना कर दिया. रुको फैसल, तुमने उन्हें यह कहकर वापस लौटा दिया था कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, उनका चेहरा नहीं देखना चाहती. क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? मैंने कब कहा था तुमसे कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, उनका चेहरा नहीं देखना चाहती? बोलो, जवाब दो. इसीलिए नहीं मिलने दिया क्योंकि वो तुम्हें छोड़ चुका है, तलाक दे चुके तुम्हें. इस बात को तुम्हें समझना होगा. तुमने मुझसे मुझे उनकी नजरों में बेगुनाह साबित करने का मौका भी छीन लिया फैसल. मैं उनकी जिंदगी में दोबारा शामिल तो नहीं हो सकती. लेकिन कम से कम उनकी नजरों में सुरखुरु तो हो सकती थी. मगर तुमने ऐसा नहीं होने दिया. बहुत गलत किया तुम, बहुत गलत किया. सरप्राइज, कब आई तुम? नहीं, मैं यहीं ठीक हूं. मैं नाराज हूं तुमसे. मुझसे नाराज हो? क्यों? पहले तो तुम मुझे रोज फोन करते थे, अब तुम मुझे फोन भी नहीं करते. फोन तो करना दूर की बात, तुम मेरा फोन तक नहीं उठाते. तुम जानती हो राना, मैं एक मसरूफ बिजनेसमैन हूँ. ट्रैवलिंग है, मीटिंग्स हैं, आना जाना, सब कुछ. टाइम नहीं मिल पाता. कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन आई प्रॉमिस कि अब तुमसे कांटेक्ट करूँगा. जानती, इसीलिए मैं खुद मिलने चली आई. और वो और क्या? वो मैं प्रॉपर्टी डीलर के पास गई थी. वो कह रहा था कि उसने तुम्हें बकाया रकम सारी दे दी है, तो उसके बारे में पूछना था. अच्छा,
तो यूं कहो ना कि तुम अपनी रकम का तकाजा करने आई। नहीं, मैं रकम का तकाजा नहीं करने आई, मैं तो सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि नौरीन के केस पे कितना खर्चा होगा, कम से कम मुझे पता तो चले। तुम जानते तो हो मेरे क्या हालात चल रहे हैं, किराए का मकान है, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, छोटा सा बच्चा है मेरा, खर्चा है उसकी फीसें हैं, इसलिए मुझको बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं करते, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए मैंने पैसा पानी की तरह बहा, इस मुल्क का बड़े से बड़ा वकील किया है मैंने, मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैंने की। चलो ठीक है, अब तुम करके देख लो। एक काम करते हैं कि मैं अपने सारे वकील को मना कर देता हूं, तुम अपने लिए दूसरा वकील करो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है रोहिल, खुदा के वास्ते ऐसे मत कहें, मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए सब कुछ तुम ही हो, एक तुम्हारे आसरा है, तुम्हारी उम्मीद है। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि थोड़ा बहुत हिसाब किताब का पता चल जाता तो मेरे लिए आसानी हो जाती। हाँ तो देखो, तो यूं कहो ना कि तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है, खामखाई मुझे गुस्सा दिला दिया। अच्छा ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। कुछ अमाउंट है, बीस हजार। क्यों ज्यादा है? तुम जानती तो हो रेहाना, इस वक्त मेरा बिजनेस भी कोई अच्छा नहीं चल रहा, मैं खुद परेशान हूं पैसे के लिए, लेकिन वादा करता हूं कि जल्द से जल्द कुछ और बंदोबस्त भी कर दूंगा। बस तुम परेशान मत हुआ करो, मैं हूं ना। अच्छा अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे जाना है, मेरी एक मीटिंग है। एक काम करते कि मैं ड्राइवर को बोलता हूं पहले तुम्हें छोड़ा है, उसके बाद मुझे छोड़ दे। अल्लाह हाफिज। मुझसे मेरी जिंदगी, मोहब्बत, खुशियां, इत्मीनान, सुकून सब कुछ छीन कर वो दोनों कितना सुकून में थे। आदर, ये सब कुछ तुम सोच रहे हो क्योंकि ये सब तुम अपनी नजर से देख रहे हो सकता है ऐसा ना हो जैसा तुम सोच रहे हो। काश उस्मान, काश ऐसा ही होता, लेकिन जिस कुर्ब से, जिस दर्द, जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूं तू नहीं समझ सकता। पता नहीं कहीं ना कहीं मेरे दिल में कुछ ऐसा था जो ये सब मानने से इनकार कर रहा था। काश मैंने उन दोनों को साथ ना देखा हो तो।
काश मैं कल वहां गया ही ना होता। आदर, मैं मानता हूं मेरी गलती है, मुझे तुम्हें पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। अरे यकीन करो आदर, मुझे खुद नहीं मालूम था कि सारा ने तंजीला भाभी को भी इनवाइट किया हुआ है। वो तो ऐन वक्त पे मुझे सारा ने बताया और ये भी कहा कि शायद तंजीला भाभी ना आए क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। खैर, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ आदर, सब कुछ भुला कर अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं उस्मान, कैसे? वो जिसे मैं अपनी जिंदगी मानता था वो आज किसी और की जिंदगी में शामिल हो चुकी। मेरी वो मोहब्बत जिसे मैंने टूट कर चाहा था उसी ने मेरी मोहब्बत का जवाब बेवफाई से दिया। मैं तंजीला की ये बेवफाई कभी नहीं भूलूंगा। ठीक कहा था आमिर, आग वहीं भड़कती है जहां चिंगारी होती है। इसका मतलब ये सारा फतूर तुम्हारे दिमाग में फिर से आनिया ने भरा है। आतिर, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि आनिया वही लड़की है जिसने नौरीन की मदद की थी और जिसने हमेशा तुम में और तंजीला भाभी में गलतफहमियां पैदा की हैं। हे रहमान निर्रहीम अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया। तुमने मुझे उनकी नजरों में बेगुनाह साबित करने का मौका भी छीन लिया फैसल। मैं उनकी जिंदगी में दोबारा शामिल तो नहीं हो सकती। लेकिन कम से कम उनकी नजरों में सुरखुरू तो हो सकती थी। अगर तुमने ऐसा नहीं होने दिया बहुत गलत किया तुम। ये दुआ घर से याद करके आनी है, ठीक है? कल हम खाना खाने से पहले की दुआ याद करेंगे। अब छुट्टी करो। मुझे तंजीला को आतिर के बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन अगर मैं बता देता तो तंजीला मुझे निकाह से मना कर देती। मगर अब तो वो सब कुछ जान चुकी है। इससे पहले कि तंजीला के दिल में मेरे लिए मजीद नफरत पैदा हो मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। नाराज हो मुझसे? हाथ उठाओ फैसल। मुझे बताओ पहले, नाराज हो मुझसे? फैसल, हाथ हटाओ। तंजीला, मेरा यकीन करो, मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। हाथ हटाओ फैसल। क्यों क्यों उठाऊं मैं हाथ? इतना तो हक दो मुझे। मैं मानता हूं कि हमारा रिश्ता महज कागजी है, लेकिन शरई और कानूनी तौर पर मैं तुम्हारा शौक।
आपकी बात हुई आतिर से दोबारा? नहीं अभी नहीं, सोच रहा हूँ एक दो दिन में उससे मुलाकात करके उससे बात करूँ। नहीं एक दो रोज नहीं, आप कल ही आतिर से मिलें और बात करें। आपको पता नहीं है आपकी बेटी बिल्कुल पागल हो चुकी है। पता नहीं जो कुछ उसके साथ हुआ है ना उसकी वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। अब वो इन हालात को किसी और नजरिए से देख रही है। क्या मकसद है तुम्हारा, क्या कहना चाह रही हो? आनिया पागल हो चुकी है? मैंने ऐसा कब कहा है, मगर मेंटली स्टेबल भी तो नहीं है वो, और जो कुछ वो कर चुकी है उससे आपको उसकी जहनी कैफियत का अंदाजा नहीं हो रहा। मेरी बात हुई थी आनिया से, उसे पूछ रही थी कि आप लोगों की आतिर से दोबारा बात हुई कि नहीं। अरे भाई झगड़ा कर रही थी मुझसे, लड़ रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे बहुत मुश्किल से ये कहकर राजी किया कि अब वो दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी। देखे आप जल्दी आतिर से बात कर ले, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो फिक्र मत करो, मैं आज ही कोशिश करता हूँ कि उससे मेरी बात हो जाए और मुलाकात भी हो जाए। देर तो हो चुकी है मामा, अब जो होगा उससे फायदा मैंने उठाना है। आपको बस आतिर को मजबूर करना है मुझसे शादी करने के लिए। आतिर भाई ने ये सब कहा तुमसे, उन्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था। सारा का ख्याल था कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, इसीलिए वो हमें अकेला छोड़ कर गई थी, ताकि हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकें और हमारे दरमियान जो भी गलत फहमियाँ वो दूर हो जाएं। हालांकि अब इसका कोई फायदा नहीं, हाँ आतिर के दिल में जो मेरे लिए नफरत है शायद वो दूर हो जाती। लिख